नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ठंड में चोरी रोकने पर कहा है कि पिछले एक सप्ताह में 2 से 3 चोरियां क्षेत्र में हुई हैं, जिसको देखते हुए रात्रि गश्त व पिकेट को बढ़ाया जाएगा और 5 वर्ष पुराने चोरों का डाटाबेस बनाया जा रहा है। उसका सत्यापन किया जाएगा कि कौन सा चोर इस समय क्या कर रहा है। इसके साथ ही रात्रि 12 बजे के बाद जो भी कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसको थाने ले जाकर पूछताछ की जाएगी। संतोषजनक उत्तर मिलने पर ही छोड़ा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये विगत एक सप्ताह में जो 2-3 चोरी की घटनाएं हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए गश्त और पिकेट जो रात्रि में निकलते हैं उनको थोड़ा सा सक्रिय और किया जाएगा। इसके अलावा पंचवर्षीय चोरों का एक डाटाबेस बनाया जा रहा है और उनका सत्यापन किया जाएगा ताकि डाटाबेस मौजूद हो सके। इसके अलावा रात्रि 12 बजे के बाद जो भी घूमता हुआ मिलेगा अनावश्यक रूप से उसको पकड़ कर थाने लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और संतोषजनक होने पर ही उसको छोड़ा जाएगा, अन्यथा उसको संदिग्ध मानते हुए उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी।